वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा अल्प समय के लिए बाधित होने से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यह सांकेतिक हड़ताल इसलिए भी है क्योंकि 108 तथा 102 एम्बुलेंस चालकों की मांगे सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर यूँ कहें कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही, इसलिए वह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि 108 और 102 एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर ना चले जाएं, इसके लिए रात 1 बजे तक 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के जिला कोऑर्डिनेटर देवेंद्र शर्मा और दीपेंद्र सिंह चालकों को समझाने में लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा के चालक अतुल कुमार सहित हेड टेक्नीशियन विकल कुमार ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे हैं कि चालकों की वेतन वृद्धि की जाए। इसके अलावा कंपनी द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए, इसके साथ साथ उनकी वेतन समय पर उन्हें दी जाए। उन्होंने यह बताया कि चालकों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए, अभी तक वर्तमान समय में उनकी ड्यूटी 12 घंटे की चल रही है। इन मांगों को लेकर चालक 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे। अतुल ने यह भी बताया कि वह लोग जनहित को देखते हुए 108 एम्बुलेंस सेवाएं सुचारू रूप से चालू रखेंगे, लेकिन उनका प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर जारी रहेगा। इधर जिला कोऑर्डिनेटर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने चालकों की समस्या को सुना है और उन्होंने उनकी समस्याओं को कंपनी के अधिकारियों तक भेज दिया। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी इमरजेंसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी। सभी जगहों पर पुलिस तैनात की भी गई थी एवं स्वास्थ्य विभाग इस बात के लिए भी तैयार था कि यदि हड़ताल होती है तो वह अपनी सेवाएं बाधित नहीं होने देंगे। लोग सर्विस दे रहे हैं, 7 सालों में इंक्रीमेंट कभी नहीं लगा और उन्होंने कहा था कि इंक्रीमेंट पर साल लगेगा, इंक्रीमेंट भी नहीं लगा। 12 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं दिन रात, वेतन भी बहुत कटौती करके आती है, कभी करके आती है। दो तीन महीने सैलरी नहीं आ रही, हम लोग घर पूरा परिवार सब समस्या में झेल रहे हैं और हमारी मतलब इतना ज़्यादा इसमें सफर हो रहा है जो हम लोग आपको बता रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। और फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हम लोग को टाचर किया जा रहा है कि ड्यूटी करो नहीं बोझा बिस्तर मान लो घर चले जाओ, इतना ज़्यादा हम लोग मानसिक रूप से टाचर रहते हैं। 24 घंटे में क्या बताएं आप लोग को, सारी हमारी जितनी भी एमटी पायलट हैं सब लोग बहुत 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 परेशान हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत नाम मेरा। अगर आपकी मांग ना पूरी है तो क्या करें? हमारे अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जा रहा है और हमारे जो हमारे एमटी पायलट हैं वो लखनऊ में हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम लोग धरना से नहीं हटेंगे। जब तक पूरी मांगे और जब तक हम लोगों की मारे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। के जो धरना दे रहे हैं इसमें कितने जिले के लोग शामिल हैं? हमारे पूरा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के पूरे यूपी में धरना हो रहा है, लेकिन हमारे पूरे 75 जिले में है, लेकिन अयोध्या में पूरी गाड़ियां खड़ी हैं, सब लोग साथ में हैं, सब लोग एक साथ जुटे हुए हैं, सब भाइयों सभी भाई। एम्बुलेंस कर्मचारियों का जो है काफ़ी शोषण कर रही है, समय से ना वेतन दे रही है और जो है जो वेतन बकाया है उस पर भी कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं जो है, मांगों में पायलट प्रोजेक्ट बंद करें, कर्मचारियों का सोर्सेस बंद हो, निर्धारित समय पर वेतन मिले, 1 से 7 तारीख के अंदर जो है हम लोग की सैलरी आए और फर्जी केस के लिए बंद किया जाए, निकाले हुए कर्मचारियों को की बहाली हो और जो है 12% तक की 12% जो है वेतन वृद्धि हो और 8 घंटे की जो है हम लोग की ड्यूटी हो, जो 4 घंटे ओवर कराया जाता है उसके लिए हम लोग को ओवर।